हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कार्स इंडेक्स कार्स इंडेक्स जिसको हम दूसरे वर्ड में कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स कि किसी भी जो पाउडर मटेरियल है उसकी जो एबिलिटी होती है कॉम्प्रेस होने की तो उसके लिए हम कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं और ये जो है स्पेशली हम जब कोई टैबलेट डोजेस फॉर्म डिजाइन करते हैं उस वक्त इसको फाइंड आउट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है तो इसको किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं फिर कौन से सिंपल बेसिक असेंबलीस की जरूरत पड़ती है ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है तो वह सभी को हम डिटेल में जानेंगे एंड ऑल्सो अबाउट द स्टैंडर्ड वैल्यूज कि कौन सी अलग अलग स्टैंडर्ड्स वैल्यू होती है कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स की तो सभी को स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में तो बी अपडेटेड विथ फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब एम्प्रेस ऑन द बेल आईकॉन एंड एनडियो ऑफ फार्मारोक्स फार्मारोक्स का स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑफ फार्मारोक्स की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है तो गेट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ एप्लीकेशन रिगार्डिंग Android app as well as Apple iPhone app. So you will find out the study material, test series, video lecture and study material in printed as well as in PDF form on the app. So get this all facilities on their Pharma Rocks Android application on Google Play, Apple iPhone app on App Store. तो जो पाउडर होते हैं उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है कि लाइक बल्क डेंसिटी होती है टैप डेंसिटी फ्लो प्रॉपर्टी एंगल ऑफ रिपोज़, Index and ratio. तो उसमें से जब आप टैबलेट डिजाइन करते हैं है कि जो भी आप पाउडर की आपको फर्दर बनानी है टैबलेट तो उस वक्त आप जो है ये जो पाउडर है उसकी प्रॉपर अलग अलग प्रॉपर्टीज चेक करोगे कि वो पाउडर का बल्क डेंसिटी चेक करोगे टैप डेंसिटी फाइंड आउट करोगे फ्लो प्रॉपर्टी चेक करोगे ऑल्सो अबाउट द एंगल ऑफ रिपोज कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स एंड हॉस्नर रेशियो तो आज के लेक्चर में हम प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ स्टडी करेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स की जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं कार्स इंडेक्स कि दूसरे वर्ड में उसको हम उसको कार्स इंडेक्स भी कहते हैं तो उसको स्टडी करते हैं डिटेल में तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स फाइंड आउट करने से पहले आपको समझना होना चाहिए बल्क डेंसिटी के बारे में एज वेल एज टैप डेंसिटी के बारे में बिकॉज कॉम्प्रेसिबिलिटी जो इंडेक्स है कि जिसको हम कहते हैं सिंपली सी आई तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स जो है उसका जो फॉर्मूला देखें तो टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी तो यह है फॉर्म्यूला कार्स इंडेक्स का कि यहां पे मैं लिख रहा हूं कार्स इंडेक्स तो कार्स इंडेक्स की जो हमारा सी आई जिसको कहते हैं हम कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं तो एग्जाम के अंदर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि राइट ए सॉट नॉट ऑन ए कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स या फिर एमसीक्यू के अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स की फॉर्मुला पूछी जाती है तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होनी चाहिए तो जो बल्क डेंसिटी है उसको हम कहते हैं बी डी और टैप डेंसिटी को कहते हैं टीडी तो जब आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये दो प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो एक तो है टीडी जिसको कहता हूं मैं टी डी इज इक्वल टू टैप्ड डेंसिटी टैप्ड डेंसिटी और बी डी मतलब की बल्क डेंसिटी बी डी मतलब की बल्क डेंसिटी तो सबसे पहले मुझे टी डी और बी डी फाइंड आउट करने होंगे और डेंसिटी तो आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो ये बनता है डेंसिटी का मेन फार्मूला फिर ये है आपका फॉर्मूला कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स का तो जब आपको फाइंड आउट करना होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स तो सबसे पहले टैप डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी को जरूर से फाइंड आउट करने पड़ते हैं इसीलिए हम लेक्चर की शुरुआत भी करेंगे सबसे पहले बल्क डेंसिटी से तो बल्क डेंसिटी मतलब कि द बल्क डेंसिटी वैल्यू इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ ऑल द पोर्स विद इन द पाउडर सैंपल की जब आपका पाउडर समझो कि ये मेज़रिंग सिलेंडर के अंदर मैंने पाउडर फिलअप किया हुआ है तो उसका जो वॉल्यूम मुझे यहाँ पे मेज़र हो रहा है मेज़रिंग सिलेंडर जो है वो टोटल समझो कि ये है 100 एम कैपेसिटी वाला मेज़रिंग सिलेंडर तो मेरा जो ये मटेरियल है समझो कि यहाँ तक जो है वो पाउडर फिल होता है और ये वॉल्यूम है एटलीस्ट 30 एम जितना और मैंने जो पाउडर लिया है वो है फाइव ग्राम तो जब फाइव ग्राम पाउडर ये मैं मेजरिंग uh, सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ कि मेरे पास पहले तो ये बटर पेपर के अंदर पाउडर था कि जो मैंने प्रॉपरली वे करके रखा था तो अब ये पाउडर को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ये मेजरिंग सिलेंडर के अंदर तो पाँच ग्राम मैंने वे किया हुआ पाउडर था उसको जब मैंने ये मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर किया तो वो वॉल्यूम मुझे दिखा रहा है एटलीस्ट थर्टी एम एल तो ये थर्टी एम एल मतलब क्या होगा कि ये डायरेक्टली बल्क वॉल्यूम है ये वॉल्यूम भी कैसा होगा बल्क वॉल्यूम और जब वॉल्यूम बल्क वॉल्यूम होता है जब वॉल्यूम बल्क वॉल्यूम होता है इट मीन्स इट कंटेन द पाउडर प्लस स्पेस बिटवीन पाउडर तो बल्क वॉल्यूम क्या होगा कि पाउडर प्लस ये पाउडर्स के बीच में जो स्पेस होगी वो भी साथ में अटैच हो तो समझो कि पाउडर का जो वॉल्यूम है ट्वेंटी फाइव है और स्पेस जो रोकी है पाउडर के पार्टिकल्स ने स्पेस जो है उनके बीच में या फिर एयर जो है एंट्रप हुई वो समझो कि फाइव एम जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है तो ऐसा कहेंगे हम कि स्पेस और जो एयर जो तैयार करती है वो एक टाइप के बन जाते हैं पोर तो डेंसिटी वैल्यू इंडिकेट्स वॉल्यूम ऑफ ऑल पोर्स विद इन द पाउडर सैंपल कि पाउडर तो है ही आपका उसका ओरिजिनल वैल्यू तो है ही बट उसके साथ एड है जो वाइड कहते हैं हम पोर कहते हैं या फिर स्पेस तो ये है बल्क वॉल्यूम अब बल्क डेंसिटी की जो फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो मास भी आप लोगे बल्क वाला मास और वॉल्यूम भी लोगे बल्क वॉल्यूम तो उस वक्त समझो कि जो हमें डेंसिटी मिल रही है वो कही जाएगी बल्क डेंसिटी के वे एक्यूरेटली फाइव ग्राम ऑफ पाउडर ब्लेंड एंड ट्रांसफर इन हंड्रेड एम एल ग्रेजुएटेड सिलेंडर केयरफुली लेवल द पाउडर ब्लेंड विदाउट कॉम्पैक्टिंग एंड रीड द सेटल एपरेंट वॉल्यूम अब बल्क डेंसिटी के अंदर जो है डायरेक्टली जब हम पाउडर मटेरियल को उसके अंदर फिल करते हैं वो ही वॉल्यूम हम लिखते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ टैपिंग यहां पर टैपिंग नहीं किया जाता सिर्फ समझो कि पाउडर को आपने आप समझो कि लेबोरेटरी में कैसे करोगे कि लेबोरेटरी में अंदर वेद पाउडर समझो कि पांच ग्राम वे किया ट्रांसफर टू मेजरिंग उसको ये मेजरिंग के अंदर ट्रांसफर किया कि जो टोटल हंड्रेड एम एल वाला था और वो वॉल्यूम समझो की है एटीन एम एल वॉल्यूम दिखा रहा है एटीन एम एल तो डायरेक्टली ये जो वॉल्यूम आप में लिखोगे तो यहाँ पे लिख लोगे रीडिंग्स के अंदर कि बल्क मास इज इक्वल टू फाइव ग्राम एंड बल्क वॉल्यूम इज इक्वल टू एटीन एम एल अब इस वक्त जो आप डेंसिटी फाइंड आउट करोगे तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो अब देखो बल्क डेंसिटी बी डी इज इक्वल टू होगा फाइव बाय एटीन इज इक्वल टू उसका जो कैलकुलेशन आएगा कि समझो क्या हम कैलकुलेटर से करते हैं तो समझो कि मैं यहाँ पे फाइव बाय एटीन करके रखता हूँ फाइव बाय एटीन तो आंसर आ रहा, रहा है जीरो पॉइंट टू सेवन 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 मतलब कि जीरो पॉइंट टू एट में लिख सकता हूँ यहाँ पे जीरो पॉइंट टू एट तो ये होगा मेरा बल्क डेंसिटी का रीडिंग और इस टाइप से कैलकुलेशन हो जाएगी मेरी डेंसिटी की तो बल्क डेंसिटी टेस्टिंग के लिए ये हम डेंसिटी जो टेस्टर होते हैं उसको हम यूज करते हैं तो ये है टैप डेंसिटी टेस्टर कि अब जो है वो ये वही मेजरिंग को कि यहाँ तक जो पाउडर फिलअप किया हुआ है अब समझो कि ये मशीन को हम स्टार्ट करेंगे तो वो टैपिंग करवाना स्टार्ट कर देगा कि जो है वाइब्रेशन भी थोड़ा बहुत मिलेगा ये यहां से एज वेल एज टैपिंग ही होगा कि प्रॉपर डिस्टेंस से प्रॉपर हाइट से ये जो मेजरिंग सिलेंडर से वो दोनों क्या होंगे अब टैप होंगे तो उस वक्त जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा टैप वॉल्यूम और उस वक्त जो डेंसिटी फाइंड आउट होगी वो टैप डेंसिटी कि वे एक्यूरेटली फाइव ग्राम ऑफ पाउडर मिक्सचर एंड ट्रांसफर इन ए हंड्रेड एम मेजरिंग सिलेंडर देन मिकेनिकली टैप द सिलेंडर कंटेनिंग द सैम्पल बाय रेजिंग द सिलेंडर एंड अलोविंग इट टू ड्रॉप अंडर इट्स ऑन वेट यूजिंग मिकेनिकली टैप डेंसिटी टेस्टर कि अब जो हमारा बल्क डेंसिटी से फाइंड आउट करने के लिए हमने जो भी मटेरियल लिया था सेम उसी मेजरिंग सिलेंडर को हम मैकेनिकली ऑपरेट होता हुआ टैप डेंसिटी टेस्टर के अंदर रखेंगे और वहां पे हम सेट करेंगे फिक्स ड्रॉप 14 प्लस mm मतलब और माइनस टू एम एट नॉमिनल रेट ऑफ थ्री हंड्रेड ड्रॉप्स पर मिनट मतलब कि थ्री हंड्रेड टाइम्स उसका टैपिंग होगा थ्री हंड्रेड ड्रॉप्स पर मिनट और टैप द सिलेंडर फॉर फाइव हंड्रेड टाइम्स फाइव हंड्रेड टाइम्स से सिलेंडर टैप होगा इनिशियली एंड मेजर इट्स टैप वॉल्यूम वी वन तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये यह जो हमारा नॉर्मल मेजरिंग सिलेंडर था उसको अब करवा जा करवा रहे हैं हम टैपिंग अब उसका क्या करवा रहे हैं हम टैप तो एटलीस्ट उसको 500 टाइम टैप करना है 500 टाइम्स और उस वक्त जो उसका वॉल्यूम मिला था कि इनिशियली जो था वो यहाँ पे 18 एम था टैप करने के बाद समझो कि डाउन होके हो रहा है यहाँ पे 30 एम तो टैपिंग करने से वॉल्यूम डाउन हुआ अब ये जो वॉल्यूम है 30 एम वो उसको मैं लिखूंगा v1 वन टैप डेंस टैप वॉल्यूम अब रिपीट द टैपिंग एन एडिशनल 750 फिफ्टी टाइम्स एंड मेजर द टैप वॉल्यूम टू नियरेस्ट ग्रेजुएटेड यूनिट तो फिर से समझिए ये मेजरिंग सिलेंडर कि जिसका इनिशियली 18 एम था तो ये था बल्क टैप करने के बाद ये हो रहा है 13 ये हो गया है यहाँ पे थर्टीन और उसको मैं कह रहा हूं वी वन और फिर से मैं और यह टैपिंग था फाइव हंड्रेड टाइम्स रिपीट द टैपिंग एन एडिशनल सेवन फिफ्टी टाइम्स तो उस वक्त जो मुझे मिलेगा वॉल्यूम वो वी टू और वो समझे कि हुआ है ट्वेल्व ही हुआ है बिकॉज अब जो है उसकी कैपेसिटी आ चुकी थी कि जितने उसके वॉइड थे वो सब कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन टू वॉल्यूम इज लेस देन टू परसेंट देन फाइनल वॉल्यूम कंसिडर इज वी टू कि टू परसेंट से भी कम समझो कि उसका फाइनल वॉल्यूम का जो डिफरेंस है कि वी वन और वी टू के बीच में ओनली लेस देन टू परसेंट का डिफरेंस है तो आपको कंसिडर करना है वी टू कैल्क्युलेट द टैप बल्क डेंसिटी इन ग्राम पर एम एल बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला मास बाय टैप वॉल्यूम अब यहाँ पे देखो कि समझो कि हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे ट्वेल्व को कंसीडर कर रहे हैं तो मास तो था फिक्स हमारा पाँच ग्राम यहाँ पे वॉल्यूम है ट्वेल्व एम तो टैप डेंसिटी इज इक्वल टू फाइव बाय ट्वेल्व कि समझो कि अब मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ फाइव बाय 12. तो आप देख सकते हैं कि फाइव बाय ट्वेल्व तो वो वैल्यू मुझे मिल रही है जीरो पॉइंट फोर वन सिक्स मतलब कि जीरो पॉइंट फोर टू में यहां पे लिख सकता हूं जीरो पॉइंट फोर टू तो ये हो गई मुझे मिल गई वैल्यू टैप डेंसिटी की कि, कि जो मैं कहूंगा टी डी तो इस तरह से सबसे पहले मेरे पास था एम टी मेजरिंग सिलेंडर कि दिस मेजरिंग सिलेंडर इज ए कंप्लीटली एम टी अब उसके अंदर पाउडर फिल कर रहा हूं मैं एटलीस्ट पांच ग्राम जितना और उसका जो मुझे बल्क मास या फिर बल्क वॉल्यूम जो मुझे मिल रहा है बल्क मास तो फिक्स ही रहेगा पांच ग्राम और वॉल्यूम है यहाँ पे एटीन एम एल तो उस वक्त जो मुझे बल्क डेंसिटी जो मिल रही है वो कितनी होगी तो कैलकुलेटर से जो हमने अभी फाइंड आउट किया था कि 5 डिवाइडेड बाय 18, तो वो वैल्यू थी 0.28. वो वैल्यू थी 0.28. तो बी मुझे मिला 0.28. अब प्रीवियसली ऑलरेडी हमने टी डी फाइंड आउट करके रखा था तो वो था पॉइंट फॉर टू तो टैपिंग करने के बाद आ, टैप मास तो सेम ही रहेगा फाइव ग्राम वो वॉल्यूम हो रहा है ट्वेल्व एम एल तो जो मुझे टी डी मिलेगा टैप डेंसिटी वो होगा जीरो पॉइंट टू तो अब मैंने टैप डेंसिटी भी फाइंड आउट कर ली एंड बल्क डेंसिटी भी मेरी फाइंड आउट हो चुकी है तो अब मैं क्या करूंगा कार्स इंडेक्स जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लूंगा तो कार्स इंडेक्स के लिए अब इनिशियली तो वही स्टेप है कि मेजरिंग सिलेंडर को पहले टैप करेंगे और टैप डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे बल्क डेंसिटी आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी है तो बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी को हम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर जो उसका फॉर्मूला है कार्स इंडेक्स का कि टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्कि इंटू हंड्रेड की जब आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो इंटू हंड्रेड करेंगे तो टी डी माइनस बी डी तो यहां पे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग टू हमारी जो टी डी थी टैप डेंसिटी वो वैल्यू था जीरो पॉइंट फोर टू का बल्क डेंसिटी था पॉइंट ट्वेंटी एट फिर से नीचे टी डी करूँगा मैं ज़ीरो पॉइंट फोर टू इंटू हंड्रेड तब पॉइंट फोर टू माइनस पॉइंट ट्वेंटी एट आप करते हैं तो अच्छे से आप कैलकुलेटर से जो है वो यही टास्क प्रॉपरली परफॉर्म करोगे कि जिसके अंदर आप सबसे पहले ज़ीरो पॉइंट फोर टू करना है माइनस जीरो पॉइंट ट्वेंटी एट करना है और जो वैल्यू आती है उसको इक्वल टू कर लेना है और यहां पे इस तरह से सेकंड स्टेप और लिख लेना है कि इक्वल टू पॉइंट फोर्टीन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट फोर टू इंटू हंड्रेड तो अब आप क्या करोगे फिर से कैलकुलेटर uh, से अच्छे से कैलकुलेशन कर लोगे कि जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट फोर टू इक्वल टू कर लेंगे और इनटू करेंगे आप हंड्रेड तो टीडी का जो आपको रिजल्ट यहां पे मिल रहा है वो है इक्वल टू थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट इस तरह से आप कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं तो आपको जो वैल्यू मिली तो उसको जो हम कहेंगे कि जीरो पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज कार्स इंडेक्स या फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स मिला तो उसका मतलब क्या है तो उसका मतलब यह है कि आपके पाउडर की जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो है थर्टी थ्री परसेंट जितना कॉम्प्रेस हुआ है आपका पाउडर कंप्रेसिबिलिटी उसकी है थर्टी थ्री परसेंट जितना वो कॉम्प्रेस हुआ है तो नेक्स्ट है हॉस्नर हॉस्नर रेशियो रेशियो तो बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी से ही फाइंड आउट किया जाता है तो वो जो है रेशियो ऑफ टैप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी तो उससे पहले ये पॉइंट हम समझते हैं यहां कि जो कार्स इंडेक्स जो हमें मिलता है उसके लिए जो प्राइमरी आपको सबसे पहले ये दो ऑपरेशन जरूर से करने पड़ते हैं कि एक पहले आप मैन्युअली फाइंड आउट कर लेते हैं टैप डेंसिटी और मैन्युअली फिर आप फाइंड आउट करते हैं बल्क डेंसिटी उसके बाद ही ये जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके आप जो है कार्स uh, इंडेक्स या फिर दूसरी वर्ड में कहे तो परसेंटेज कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं तो कार्स इंडेक्स के बाद जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको फाइंड आउट कर सकते हैं वो है हॉस्नर रेशियो कि जो कार्स इंडेक्स के साथ ही एसोसिएटेड है कि जब आप टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसी दोनों का रेशियो लेकर आप जो है वो हॉस्नर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं तो हॉस्नर जो का जो फॉर्मूला है वो है बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी की जिसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं एच आर इज इक्वल टू टी डी डिवाइडेड बाय बी डी तो अभी समझो कि जो हमने फाइंड आउट किए थी वैल्यूज की टैप डेंसिटी जो मिली थी हमें पॉइंट फोर्टी टू बल्क डेंसिटी का वैल्यू था पॉइंट ट्वेंटी एट था तो अब जो हमारा हसनर रेशियो मिलेगा वो होगा फाइंड आउट कर लेते हैं हम ज़ीरो पॉइंट फोर्टी टू डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट ट्वेंटी एट तो वो आंसर मुझे मिल रहा है वन पॉइंट फाइव वो आंसर मुझे मिल रहा है वन पॉइंट फाइव तो सी uh, आई मेरा आया था थर्टी थ्री पॉइंट थ्री और एच आर आ रहा है वन पॉइंट फाइव तो वैल्यू लेस देन वन ट्वेंटी फाइव इंडिकेट्स द गुड फ्लो वैल्यू लेस देन पॉइंट ट्वेंटी फाइव इंडिकेट्स द गुड फ्लो कि यहाँ पे लिखा है कि कि आपकी वैल्यू आती है लेस देन वन ट्वेंटी फाइव तो गुड फ्लो बट यहाँ पे हमारे एच आर का वैल्यू आ रहा है वन पॉइंट फाइव बिकॉज जीरो पॉइंट फोर टू डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट ट्वेंटी एट तो मुझे वैल्यू मिल रही है वन पॉइंट फाइव तो गुड तो नहीं है वैल्यू ग्रेटर देन वन पॉइंट फाइव इंडिकेट्स पुअर फ्लो मतलब कि अराउंड थर्टी थ्री परसेंट सी आई एंड बिटवीन वन ट्वेंटी फाइव एंड वन पॉइंट फाइव यू कैन एड द ग्लाइडेंट टू इम्प्रूव द फ्लो की समझे कि वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव से वन पॉइंट फाइव के बीच में है तो आप उस पर ग्लाइडेंट एड करके एडजस्ट कर सकते हैं तो इस तरह से हमने जो कैलकुलेशन देखी फिर से एक बार समझ जाएंगे कैलकुलेशन उससे पहले आप ये टेबल समझ लो कि ये टेबल जो है वो आपके लिए मोस्ट आईएमपी टेबल है तो फ्लो कैरेक्टर एक्सलेंट कब होता है कि जब आपका कॉम्पल्सिटी इंडेक्स होता है बिटवीन फाइव टू फिफ्टीन हॉस्नर रेशियो की वैल्यू होती है वन से लेकर वन पॉइंट इलेवन तो एक्सल एन के इक्वी वैल्य टू इतनी वैल्यू होती है फिर गुड़ है आपका फ्लो कैरेक्टर तो उसका मतलब यह है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू है सिक्सटीन टू एटीन एंड हॉस्नर रेशियो है वन पॉइंट ट्वेल्व टू वन पॉइंट एटीन फ्लो कैरेक्टर फेयर है मतलब कि कार्स इंडेक्स नाइनटीन टू ट्वेंटी वन एंड हॉस्नर रेशियो है वन पॉइंट नाइनटीन टू वन पॉइंट थर्टी फोर जब आपके पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी पुअर होती है उस वक्त आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स मिलता है 22 से 35 के बीच में और हॉस्नर रेशियो होता है flow, तो कार्स इंडेक्स इज मीन 30 टू 40 एच आर बिटवीन वन पॉइंट फोर सिक्स टू वन पॉइंट फाइव सिक्स एंड एक्सट्रीमली पुअर इट मीन्स ग्रेटर देन फोर्टी रेशियो इज ग्रेटर देन वन पॉइंट सिक्स जीरो तो जो कैलकुलेशन इस तरह से आप कर सकते हैं इसके सिंपली तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है ये सब लिख लेना पड़ता है कि एक तो आप यहां पे लिख लोगे बल्क मास तो समझे कि आपने फिक्स पांच ग्राम जितना पाउडर ले लिया था तो ये आपका बल्क मास फिर सेकंड आपका बल्क वॉल्यूम तो वो था सबसे पहले 18 एम तो आपने फाइंड आउट कर ली बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू फाइव बाय 18 इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर टू और उसका जो यूनिट आपको यहां पे खास लिखना होगा ग्राम पर एम फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि 5 बाय एटीन इज इक्वल टू सॉरी जीरो पॉइंट ट्वेंटी एट था जीरो पॉइंट ट्वेंटी एट ग्राम पर एम एल आपका बी डी तीसरी चीज़ आपको लिख लेनी है uh, मास तो उस तो फिक्स ही था फाइव ग्राम और टैपिंग करने के बाद टैप्ड वॉल्यूम वो हो गया आपका ट्वेल्व एम एल तो उस वक्त आप टी डी फाइंड आउट करोगे और टी डी इज इक्वल टू फाइव बाय ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर्टी टू ग्राम पर एम एल तो कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं ये वैल्यूज की फाइव बाय ट्वेल्व जब हम करेंगे तो जीरो पॉइंट फोर वन सिक्स 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 ऐसी वैल्यू मिलेगी तो इक्वी तो आप ले सकते हैं ज़ीरो पॉइंट फोर टू और पांचवी चीज़ आपके लिए कार्स इंडेक्स तो टी डी माइनस बी डी डिवाइडेड बाय टी डी इंटू हंड्रेड परसेंटेज सी आई तो वो आएगा जीरो पॉइंट फोर टू माइनस ज़ीरो पॉइंट ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट फोर टू मतलब कि पॉइंट फोर्टीन यहां पे इंटू हंड्रेड करना है इंटू हंड्रेड तो इसी को नीचे अलग से कैलकुलेशन कर लीजिए जीरो पॉइंट फोर्टीन बाइ पॉइंट फोर्टी टू इंटू हंड्रेड तो, मतलब तो वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज तो सी आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी इस तरह से थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया बल्क डेंसिटी आपके फाइंड आउट हो गई यहाँ पे आपने टैप डेंसिटी फाइंड आउट कर ली और उस पर से कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स और छठी चीज़ें हमारी एच आर तो उसमें तो कुछ नहीं सिंपल रेशियो टी डी बाय बी डी इज इक्वल टू ऑलरेडी हमने पॉइंट फोर टू फाइंड आउट करके ही रखा है डिवाइडेड बाय पॉइंट ट्वेंटी एट और वो जो वैल्यू मिलती है वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव रेशियो जो है वो यूनिटलेस रहेगा बिकॉज जब हम रेशियो लेंगे तो दोनों यूनिट है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे लाइक दैट कि ग्राम पर एम एल डिवाइडेड बाय एम एल कि इस तरह से हो जाएगा ग्राम पर एम एल इंटू एम एल बाय ग्राम हो जाएगा तो ये ग्राम ग्राम और ये एम एल रिमूव हो गए इसलिए होस्टनर रेशियो का जो यूनिट है वो हो जाएगा कंप्लीटली ले, डायमेंशन लेस इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एच आर के जो यूनिट लेस है दिस इज यूनिट लेस बिकॉज फिर से एक बार मैं यहां पे आपको समझाता हूं एच आर की टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी तो टैप डेंसिटी का यूनिट में इस तरह से लिखूंगा ग्राम पर एम एल डिवाइडेड बाय ग्राम पर एम एल तो दोनों कंप्लीटली क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे जिसके कारण यूनिट तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं इसलिए हॉस्नर रेशियो जो है वो यूनिट लेस डायमेंसन है कि जो हम फाइंड आउट करते हैं टैबलेट्स बनाते वक्त तो ये थी कैलकुलेशन रिगार्डिंग द प्रॉपरली कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स या फिर कार्स इंडेक्स इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर भी जब आपको कोई एग्जाम्पल देना हो तो ये सिंपल एग्जाम्पल ले सकते कि पाउडर आप फिक्स कर लो पाँच ग्राम और वॉल्यूम आप जो है वो चेंज करते रहिए और ये खास ध्यान रखना कि बल्क वॉल्यूम ऑलवेज ज़्यादा होता है एंड जो टैप वॉल्यूम होता है वो उस, उससे कम होता है बिकॉज टैपिंग करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है कि जो स्पेस होती है वह डिक्रीज हो जाती है जिसके कारण टैप वॉल्यूम ऑलवेज कम होता है और बल्क डेंसिटी पॉइंट ट्वेंटी एट होती है टॉप डेंसिटी पॉइंट फोर टू बिकॉज दोनों के वॉल्यूम में काफ़ी जिस से और इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया कॉम्प्रेसिविटी इंडेक्स कि जो है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री वो होता है इक्विवेलेंट टू वन पॉइंट फाइव परसेंट मतलब कि आपका जो की, जहाँ पे जो की जो हमने लिया वो पाउडर जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो हम कह सकते हैं पुअर है वेरी पुअर पुअर या फिर वेरी पुअर की कैटेगरी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे एज वेल एज उसका हॉस्नर रेशियो 1.5 इंडिकेट करता है पुअर फ्लो की जो इक्विवेलेंट हो रहा है थर्टी थ्री परसेंट कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स के कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स नेक्स्ट जो सीखेंगे हम वो है एंगल ऑफ रिपोज की जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा कि जिसके अंदर स्पेशली हम एंगल ऑफ प्रीपोज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे सो so, टिल देन मैसेज टू तो जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप सेंड योर नेम सिटी नेम व्हाट्सएप इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो तो एट थ्री सिक्स फार्मारॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप सब्सक्राइब करिए चैनल को जरूर से हमारे वीडियो लेक्चर्स को शेयर करिए मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए एंड यूज़ करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड ऑल्सो द प्रिंटेड मटेरियल वीडियो लेक्चर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इन अफोर्डेबल प्राइज ऑन द एफ Farmer Ox, good luck and all the best.